सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा था, हम मैरिज लॉन के लिए निकल चुके थे। सो फाइनली हम वही जा रहे हैं। बी कंटिन्यू, पहुंच के फिर मिलती हूँ। ओके सो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंची, मुझे एक पार्सल रिसीव्ड हुआ जो आज ही आना था। तो घर पे कोई है नहीं, लॉक लगा है, तो मुझे यहीं पे रिसीव्ड करना पड़ा। एंड ये है OTG। लास्ट की किसी वीडियो में मैंने आपको बताया भी होगा कि OTG यहाँ समझ नहीं आता, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये घर पे भिजवाने की बात कर रही हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे हैं दोनों दुल्हनिया। एंड ऑफकोर्स बारात का टाइम हो चुका है, बारात आने वाली है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेप्शन डे भी है एंड अराइवल ऑफ बारात भी है ना। एंड यू नो व्हाट गाइज, मैरिज लॉन के चारों तरफ का नजारा मैं आप सभी को दिखाती रहूंगी, ताकि आप सभी लोग अच्छे से इंजॉय करें वीडियो को। एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना। ओके गाइज। वैसे तो हमें टाइम बिल्कुल मिलना नहीं है, तो हम सब कुछ साइड पे रख के आए हुए हैं फोटो शूट के लिए। एंड देन बैक टू वर्क। फाइनली 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 दोनों दुल्हनें विदा हो चुकी हैं। मतलब भाभी पहले गई थी और फिर सिस्टर की विदाई हुई है। सॉरी फॉर दैट कि मैं आप लोगों को भाभी की विदाई वाला नहीं दिखा पाई, क्योंकि इतना क्राउड हो जाता है, इतने वर्क होते हैं, इतनी भाग दौड़ होती है कि मैं मतलब पॉसिबल नहीं था इतनी सारी हर चीज़ की क्लिप लेना और आप लोगों के साथ शेयर करना। बट जहाँ तक पॉसिबल हुआ है, मैंने ट्राई किया है आप लोगों तक पहुँचाने की। सो यहाँ पे अभी रात का टाइम है और आप देख सकते हैं घर की हालत क्या हो रखी है। ये जो मिठाइयाँ अभी दिख रही थी ना, वो जो खिलाने आए थे भाभी के वहाँ से, वो सारी मिठाइयाँ थी जिनको फ्रिज में रखने का कुछ जुगाड़ हो रहा है, जुगाड़, ताकि वो ख़राब नहीं हो, है ना। और यहाँ पे थकान को मिटाने का एक वन एंड ओनली सोल्यूशन जो है वो चाय है। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, हम सब पियेंगे आराम से, फिर रिलैक्स करेंगे, सोना भी है, क्योंकि कल फिर सिस्टर के यहाँ रिसेप्शन है, तो हमें वहाँ भी जाना है खिलाने के लिए, जो कहते हैं ना कुछ लोगों के वहाँ चौथी होता है, हम लोगों के वहाँ यही बोला जाता है। आज के लिए इतना ही गाइस, कल आपसे मिलूँगी। बी कॉन्टिन्यू।
सो गाइज फाइनली आज हमें जाना है सिस्टर के यहाँ और अभी मैं चल रही हूँ गिफ्ट पैक करने। गिफ्ट है कुछ इस तरह की, यू कैन सी दिस। यार गिफ्ट का सोचो ना तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जो भी सोचती ऐसा लगता नो 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 आउट ऑफ फैशन है, बहुत ही पुराने आइटम है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, इसलिए मैंने ये लेटर ऑर्डर करा था की थी। यार मतलब कौन सी लैंग्वेज सीख गई हूँ, पता नहीं कैसे कहाँ से ये करा था करी थी आ गया है। की थी ऑफकोर्स की थी, और जिस दिन जाना है पैकिंग उस दिन कर रही हूँ क्योंकि पहले टाइम ही नहीं मिल पाया था यार। और चलो पहुँच के फिर मिलते हैं, अभी कंटिन्यू वहाँ पे कैसे क्या होता है देखते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं एंड थोड़ा सा पहले हमने फोटोशूट किया एंड देन लंच किया। लंच में ज़्यादा कुछ दिल नहीं था तो मैंने उतना लिया नहीं, और फिर हमने देनी लेनी जो करनी थी वो किया एंड बैक टू होम हो गए। सो गाइस फाइनली एक और दिन बीत चुका है एंड घर की गंदी हालत हो रखी है, बहुत ही गंदी हालत हो रखी है घर की यार। और आज सिस्टर के सारे यूटेंसिल्स वगैरह जाने हैं क्योंकि शादी वाले दिन गया नहीं था, इसलिए आज जाना है। और धीरे धीरे घर को घर करने में हफ्ते भर तो लग ही जाएंगे। इस वाले व्लॉग को सोची हूँ यहीं पे दी एंड कर दूँ, बाकी आगे देखते हैं बनाती हूँ या नहीं कैसे क्या होता है। और मैं इस वाले घर में आ गई हूँ, नए वाले घर में आप लोगों को घर की हालत दिखाने की, जगह जगह क्या हालत हो रखी है। काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लगने वाला है सबको सही करने में, घर को घर बनाने में, है ना। तो यहाँ भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो आज जाना है, सिस्टर की सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।